अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ। आप देख रहे हैं अर्निंग टॉक्स। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, एक सीरीज़ चल रही है फाइबर गिग्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं फाइबर गिग्स से रिलेटेड नीशेज हैं, जिसमें कंपटीशन बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो आपकी एक्सपर्ट ही हो, जो आपको गिग पसंद आए, ठीक है, उसमें आप जाके उसमें बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। गिग की एक पूरी प्लेलिस्ट है, जो कि फाइवर, जिसमें गिग की जो प्लेलिस्ट की जो टाइटल है वो फाइवर गिग के रिलेटेड है, जैसे कि फाइवर लो डिमांड गिग्स समथिंग लाइक दैट ये लिखा हुआ है। आप वहाँ जाके पूरी फाइवर की गिग्स जो है पूरी प्लेलिस्ट दे सकते हैं। वो सारी गिग्स हैं और वो सारी अच्छी हैं। देखें उसमें से जो आपको समझ आए, आपको जो पसंद आता है, जो आपको आप कर सकते हैं उसमें डिगिन करें। तो आज हम डिस्कस करते हैं गूगल शीट्स के बारे में। आपने शायद किया भी होगा, शायद आपने देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देख लेंगे भाई। गूगल शीट्स, अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो गूगल शीट्स आता है, एक्सपर्ट्स भी आता है और गूगल शीट डैशबोर्ड भी आता है, ठीक है। तो हम गूगल शीट्स में जाएंगे तो तीनों चीज़ें अंदर आ जाएंगी इसमें। सबसे पहले 2000 मीन्स के 2500 का इसका कॉम्पिटिशन है, 3000 भी फिलहाल नहीं हुआ है, कोई मसला नहीं है, ये कॉम्पिटिशन ना के बराबर है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि फाइवर के अंदर जो है हम क्या करते हैं, आपको पता ही होगा, ब्लैक हेड तरीके यूज़ होते हैं, जिसमें हम फेक रिव्यू करवा के और जो है कि इसको ट्रेंड करवा के, रैंक करवा के गिग को, हम यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आके, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, कहीं पे भी फर्स्ट पेज पे, तो हमें ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जितना कम होगा हमारे पास कंपटीशन, उतना आसान होगा गिग जल्दी, उसने अच्छे चांसेस होंगे, उतना आसान होगा गिग को फर्स्ट पेज पे पहुँचाने के जल्दी से जल्दी, ठीक है भाई। तो इसमें से मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये देखने इसके 200 रिव्यू हैं, 300 रिव्यू हैं, 1K रिव्यू है, 4K रिव्यू हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं इसका जूस, देख लेते हैं आप, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि कितने रिव्यू हैं, हमारा मकसद ये है कि फर्स्ट पेज पे आके बैठ जाना, ठीक है। फर्स्ट पेज पे आके बैठ जाएंगे, जैसे ये 11 रिव्यू वाला भी यहाँ बैठा हुआ है, तो ऑर्डर्स खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसका अभी क्यों मैं एक ऑर्डर लगा हुआ है, आई विल बी योर गूगल शीट फॉर्मूला स्क्रिप्ट एंड ऑटोमेशन एक्सपर्ट, ठीक है भाई। और $100 ये चार्ज कर रहा है, 7 अक्टूबर। अब सिंपल फार्मूला और स्क्रिप्ट और 1 आवर कंसलेशन, ये सिंपल फार्मूला बनाएगा। आज जिनको पता होता है गूगल शीट्स के बारे में, एक्सेल के बारे में, उनको पता ही है क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सिंपल फार्मूला की बात हो रही है, कोई ऐसा कोई खास तरीका तो नहीं है, सिंपल वो फार्मूला बता के देंगे कि भाई ये जो काम है आपको, जो मैन्युअली कर रहे हैं आप, इसको आप क्या कहते हैं कि फॉर्मूला है, इसको आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला आपको बता देगा, या उसके बिजनेस के लिए ये पूरा कंसल्टेंट कर देगा, फॉर्मूला बताएगा कैसे आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं इन गूगल शीट और इन एक्सेल शीट, ठीक है। ये वो बात कर रहे हैं, वो उसका $100 चार्ज कर रहे हैं ये, और 3 दिन में ये डिलीवरी दे देंगे इसको, ठीक है भाई। मीन्स के 3 दिन में ये पाकिस्तानी कोई 20,000 बनते, 22,000 बनते ये कमा लेगा 3 दिन में। और ये तीन तीन मिनट का अपना 30 मिनट का असिस्टेंट कह रहा है, गेट अरेंजमेंट ऑफ द प्रोफेशनल असिस्टेंट ऑन योर गूगल शीट्स स्प्रेडशीट, ठीक है। और इसने लास्ट जो डिलीवरी दी थी वो है 10 आवर्स पहले, ठीक है, मैंने आज की दी है। तो आप ये देख लें, अगर आपको गूगल शीट, अगर आप गूगल शीट आता है, गूगल शीट के एक्सपर्ट हैं या एक्सेल के एक्सपर्ट हैं, जो एक्सेल ही चलता है, ये सेम ही है, गूगल शीट और एक्सेल सेम ही है, उसके आप एक्सपर्ट हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, सेम चीज़ है। इसके देखिए 8 होटल लगे हुए हैं, आई विल बी योर गूगल शीट विजर्ड, ठीक है। ये कोई ऐसे नहीं है, ये जो जादूगर होते हैं ना, विजर्ड होते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। इसने थोड़ा यूनिक नेम यूज़ किया, बट यूनिक नहीं है, आप भी ऐसे कह सकते हैं, कोई इसमें न्यू बात नहीं है। एनी क्विक क्वेश्चन और सोल्यूशन यू आर लुकिंग फॉर दैट आई कैन बी टेकन केयर ऑफ इट, ठीक है। ये $5 चार्ज कर रहा है सिर्फ ये क्वेश्चन के 1 आवर में, ठीक है। वो ये $8 उसके 8 पेंडिंग में, उसके क्यू में ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं, तो आप खुद सोचें, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 करें सिर्फ ये अभी की आप इसकी प्राइस डॉलर्स में देख लें कितना बनता है, ठीक है। वो डिलीवरी 2 दिन कितना इसने डॉलर्स में कमा लिया होगा, ठीक है। अगर आपको एक्सेल शीट करना है ना, तो दिस इज़ द बेस्ट चॉइस।
जैसे कि हम क्या कहते हैं गूगल शीट ही है, गूगल शीट में आप गूगल शीट इसको ख़त्म कर लेते हैं, हम यहाँ आ जाते हैं गूगल शीट है, हम यहाँ पे एक्सेल शीट लिख लेते हैं। एक्सेल ठीक है, एक्सेल ऑटोमेशन, एक्सेल डाटा क्लीनिंग और एक्सेल शीट, और जैसे कि ये एक्सेल ऑटोमेशन है वहीं एक्सेल शीट भी आता है, तो ऑटोमेशन और शीट, ऑटोमेशन में काफ़ी लोग जाते हैं तो ऑटोमेशन में जाते हैं हम भी। ठीक, अब ये देखें इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 कॉम्पिटिशन, यहाँ पे 1000 गिग बनी हुई है, कॉम्पिटिशन बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये रिव्यू देख लेती है, बहुत कम रिव्यू है। ठीक है, इसमें इनमें इस कॉम्पिटिशन में आके हम फर्स्ट पेज पे आके आराम से इन इसरो में आराम से हम बैठ सकते हैं इसरो में। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसरो में कितने ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि फोटो इमेजेस ये वो उसका कम डिपेंड, जब आप गिग लोगों को दिखेगी ही नहीं तो ऑर्डर कहाँ से देंगे। ठीक है, जब हम इस इनके बीच में आके बैठ जाएंगे ना तो लोगों को दिखेंगे, एक्सप्रेशन आएंगे, तो ऑर्डर भी आ ही जाते हैं, बाकी सब बन जाता है। ये अपना इसको दे, अब इसने क्या किया, इसने सिर्फ ये रखा है अपना काम रखा है, इसको भी ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, ये देख रिव्यू और $100 चार्ज कर रहा है, अच्छे खासे इसको रिव्यू आ रहे हैं, इसका मतलब ये है, और ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पिक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ये एक्सेल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइस एंड आपकी गिग कहाँ शो हो रही है ये इम्पोर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं भाई, $70 ये चार्ज कर रहा है, और वे क्रिएट ऑटोमेशन एंड इंटरेक्टिव एक्सेल डैशबोर्ड इन, अच्छा एक्टर डैशबोर्ड, और ये ऐसे करके ये बना सकता है, जो एक्सेल शीट के बारे में जानते हैं, जिनको पता है कैसे काम होता है, उनको तो पता ही है कैसे काम होगा। ठीक है, तो आप भी देख लीजिए, अगर आपको ये काम आता है तो आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। और इसने डिली लास्ट टाइम डिली 4 डेज पहले दी है, $70 चार्ज कर, आप कर लीजिए, $70 कितना होता है, तो आप ये कर लीजिए कि $70 पाकिस्तानी कितने होते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये $75 चार्ज कर, अभी कोई इसका नहीं है। अच्छा जी, ये भी $5 चार्ज कर रहा है, अभी पेंडिंग में ऑर्डर नहीं पड़े हुए हैं, इसके 3 ऑर्डर पड़े हुए हैं। आई विल प्रोवाइड बेस्ट सर्विस इन एक्सेल मैग्रो एंड विबा फॉर्मेट ऑटोमेशन। ठीक है, $40 चार्ज कर रहा है, प्लीज कॉन्टेक्ट बिफोर ऑर्डरिंग ओनली फॉर क्विक एक्सेल टास्क दैट नीड्स मैक्स अप टू 1 आवर ऑफ द वर्क। अच्छा, ये कह रहा है कि कोई भी ऐसे टास्क हो जो कि एक्सेल के रिलेटेड हो, जो कि 1 आवर जिसको लगता है सॉल्व होने में, वो मुझसे सॉल्व करवाएं या उसको ऑटोमेट करवाएं, ये थे एक्सेल ऑटोमेशन, ये सारा उसने बनाया हुआ है। और $40 चार्ज कर रहा है, 3 ऑर्डर्स पहले लगे हुए हैं और 2 डेज में ये डिलीवरी दे रहा है। ठीक है, तो आपको अगर ये नीच समझ आती है तो इस नीच में चले जाएँ, इसका भी एक ऑर्डर पड़ा हुआ है, और ये $100 चार्ज करा, ऑटोमेट योर एक्सेल वर्क एंड फॉर्मेटिंग विथ पाइथन स्क्रिप्ट। अगर पाइथन स्क्रिप्ट आती है तो आपको, तो आप आराम से जितने चाहते हैं चार्ज कर सकते हैं। इसका भी एक ऑर्डर लगा हुआ है, देख लिए सेम दे रहा है, क्या कहते हैं कि सर्विसेज। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए आप, अच्छा कैसे करना है, कोई मसला नहीं, यहाँ से उठाया आपने, ये आपने कॉपी किया, यूट्यूब पे गए, यार इसने तो जीना आराम कर दिया, ये यहाँ देखो ये लड़की नज़र आती है हमें, ये वाली, यार इसको नहीं करें यार, लोग परेशान होते हैं कि भाई ये क्या आजकल पाकिस्तान में तुम लोगों ने ट्रेंड चलाया हुआ है, बंद करें उसको। ठीक है, तो अब काम की बात करते हैं, ये तो फालतू के लोग चलते रहे हैं। तो एक्सेल ऑटोमेशन हाउ टू डू, हाउ टू डू लिखते हैं, कोई मसला नहीं, आजा आजा दिल में समा जा। अच्छा ये देखो, हाउ टू ऑटोमेट रिपोर्ट इन एक्सेल, एक्सेल रिपोर्ट ऑटोमेटिक। अच्छा ये इंडियन अमेरिकन से, इंडियन देख लो, पाकिस्तानी नहीं देखना, ये अंग्रेज हैं, ये भी देख लो भाई, ये गोरे शोरे हैं, ये देखो सारा आपको यहाँ से मिल जाए, अगर सीखना है तो सीख के, इंटरेस्ट है इसमें तो सीख के आप जंप इन करें गूगल शीट्स में। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सब आसान है। एक ये है, इसमें आपको मैं कीवर्ड दिखा देता हूँ, एक तो एक्सेल ऑटोमेशन है, ठीक है, एक तो एक्सेल ऑटोमेशन हो गई आपकी, और एक हो गई एक्सेल शीट हो गई, इसमें कॉम्पिटिशन देख लें आप, 2000-3000 के करीब है। ठीक है, और एक्सेल के बारे में ये, और एक्सेल और गूगल शीट्स दोनों एक ही हैं, तो गूगल शीट, गूगल
वो स्प्रेड्स भी कहते हैं इसको, स्प्रेडशीट भी कहते हैं इसको। तो ये भी एक आपका कीवर्ड है। यहाँ पे देखो सिर्फ 700 बैठे हैं, इसका 700 का कॉम्पिटिशन है इस कीवर्ड पे। तो अगर दूसरा हम देखा जाए तो गूगल, गूगल एक्सप्रेस शीट्स हो गए ठीक है, और एक्सेल, एक्सेल एक्सप्रेस शीट भी है। इस पर देखे तकरीबन 2000 कॉम्पिटिशन है दोनों सेम ही। आप एक्सेल शीट भी डालें और गूगल शीट भी उसको कीवर्ड्स के अंदर मेंशन कर दें तो सारा काम सेम ही होता है ठीक है। गूगल शीट और एक्सेल शीट ये एक ही हैं, इनका काम भी एक ही है, सब कुछ एक ही है ठीक है। बस ये है कि वो गूगल का है और एक्सेल शीट तो हर कोई जानता है, और गूगल का वो एक्सेल शीट है समझो, वो गूगल की तरफ से एक्सेल शीट है, और एक्सेल शीट तो एक्सेल शीट सॉफ्टवेयर है ठीक है। अगर जिसको एक्सेल शीट आता है एक्सेल शीट इस्तेमाल करेंगे, गूगल शीट आता है वो गूगल शीट इस्तेमाल करें। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप दोनों कीवर्ड्स पकड़ो, उसको रखो, क्योंकि एक्सेल वाला काम सेम ही गूगल शीट पर होता है। तो दोनों ही एक, दोनों कीवर्ड ही एक ही हैं। आप अगर, आपको अगर गूगल पे नहीं आता है एक्सेल शीट वाला काम, तो आप गूगल पे जाएं, गूगल शीट को थोड़ा यूज़ करें, उस पर जो एक्सेल के फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो उस पर ट्राई करें ठीक है। तो जब आप वो भी आ जाएगा उसमें भी आप थोड़ा बहुत एक महीना उससे भी लगा दें तो एक्सपीरियंस आ जाएगा उस पर भी ठीक है। तो आप दोनों को ही, दोनों कीवर्ड को यूज़ करके आप एक अच्छी गिग बना के उसको रैंक करके, रैंक करने का तरीका तरीका मैं आपको विद इन ये जो गिग्स ख़त्म हो जाएंगे आखिर में मैं तरीका भी आपको बता दूंगा कि कैसे रैंक करते हैं गिग्स को ठीक है। वो फिर बाद का है, वो फिर एंड का है ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो गिग्स हैं जो अच्छी लगती हैं आप उसमें जाएं, ये मत देखें कॉम्पिटिशन कितना है, और फर्स्ट पेज पे तो आ ही जाएंगी, उसमें कोई मसला नहीं है। बस आपको ये देखना है कि कैसे कैसे मैं मार्केट के जितने भी अच्छे कीवर्ड्स हैं जो कि आपकी जो गिग है, आपकी जो सर्विसेज है उससे रिलेटेड है, उसको कवर करें, उसको लिखें, और उसको स्टफिंग करें अपनी क्या कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में ठीक है। तो जो भी वो कीवर्ड लिखेगा, आप जो टाइटल है जो कि आप ये देख रहे हैं, जो कि ये थंबनेल्स हैं, इसमें भी आप दोनों कीवर्ड्स को शो करेंगे जो कि गूगल शीट है और एक्सेल शीट है, दोनों को ही आप शो करेंगे क्योंकि आपको दोनों पे ही काम आता है, दोनों सिमिलर ही सेम ही है, कोई अलग अलग नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप जो ये इसकी नीश है जो क्या कहते हैं गूगल और एक्सेल की जो गिग है इसकी नीश है, आप उसका पूरा जूस निकाल सकते हैं ठीक है। तो इस तरह गिग बनती है, इस तरह गिग फिर रैंक होना, वो रैंक करवाना, रिव्यूज़ करवाना, वो तो बात के काम है, वो तो हम यूँ कर देंगे, उसमें कोई मसला नहीं है ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं करें तो कोई मसला नहीं है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ये आप लोगों की कल रहा हूँ भाई, आप कल को सीख के ठीक है। वैसे बहुत गिग्स और भी हैं, आप अगर प्लेलिस्ट में अंदर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन उसमें से, सारी गिग को आप वॉच करें, उसमें से अपनी गिग सेलेक्ट करें और उसमें जंप इन कर दें, कोई बड़ी बात नहीं ठीक है। और कोई भी गिग्स के बारे में जानना हो, रैंकिंग के बारे में जानना हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसमें बताएं मुझे आपकी राय क्या है, तो उसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। अगर कोई वीडियो बना रही जैसा कोई नीच होगी या कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो उस पर वीडियो बना देंगे, नहीं होगा तो उस पर वहीं मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं ठीक है। और भी बहुत सारे बिजनेस आने वाले हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मेरा तो शौक है आप लोगों को क्या पाकिस्तानी आवाम को इस क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के दौर में आगे बढ़ाना, डॉलर्स कमाएं आप लोग। मैं चाहता हूँ सिर्फ सब आप लोग डॉलर्स कमाएं, मेरा मोटिव ही यही है ठीक है। मैं चैनल ही मैंने इसलिए बनाया है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि भाई आप पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, और कुछ नहीं। तो अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं करें तो कोई मसला नहीं, लाइक कीजिएगा, वो भी नहीं करें तो कोई मसला नहीं। अगर आपको बुरा लगे, अगर चाहते हैं कि मुझे अच्छा लगे तो आप कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं ठीक है। तो आपसे मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।